हे गाइस, हाय, सचिन दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू सेशन ऑफ सचिन ट्रेड्स। और आज के सेशन में हम बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आते हैं, बैंक निफ्टी पे सर ट्रेड नहीं हो पा रहा है, बैंक निफ्टी में फंस रहे हैं, मतलब अच्छे प्रॉफिट नहीं हो रहे, ज़्यादा लॉसेज हो जाते हैं, FNO ट्रैप कर रहा है हमें, कैसे बचें उन सभी से। तो उसके लिए आपको मैं एक अच्छा एज देने वाला हूँ आज, अच्छे कंसेप्ट आपके क्लियर करूंगा। आप सिंपली प्राइस एक्शन के साथ इसे ऑनलाइन कर लोगे ना, तो आपको काफ़ी अच्छी ट्रेड्स मिल जाएगी, जिसको आपको प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। तो अपने इस पे देखते हैं कैसे करना है। तो बैंक निफ्टी ग्रिड बोलता हूँ मैं इसे, ग्रिड सेटअप है मेरा बैंक निफ्टी का ये। अभी इसको मैं ट्रिगर की तौर पे यूज़ करता हूँ, ट्रेड प्राइस एक्शन से ही लेंगे, बट ये मुझे बता देगा कि यार अब ऐसा कुछ होने वाला है, अब बड़ा होगा, अब बड़ा होने वाला है इसमें। एक्चुअली ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है, आपने सुना होगा देर आर टू टाइप ऑफ अप्रोच इन स्टॉक मार्केट, टॉप टू बॉटम अप्रोच एंड बॉटम टू टॉप अप्रोच। जब मैं इंडेक्स में ट्रेड करूंगा तो मैं मुझे बॉटम टू टॉप अप्रोच मैं यूज़ करता हूँ, और जब मैं टॉप टू बॉटम अप्रोच मुझे करना है तो मैं स्टॉक पे करूंगा या इक्विटी पे मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं टॉप टू बॉटम अप्रोच करता हूँ। कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होंगे, जैसे बड़े बड़े बैंक हैं, HDFC, कोटक, ICICI, अपना SBI, इंडसइंड, ये जितने भी बैंक्स हैं उनकी हम स्टडी करेंगे, उनके चार्ट्स का जो हमें मिलेगा, मतलब उसकी चार्ट में जो हमें मूवमेंट दिख रही है उस मूवमेंट को हम बैंक निफ्टी के मूवमेंट से कंपेयर करेंगे, उन जानेंगे कि यार अब इनमें ऐसा हो रहा है तो उनमें भी ऐसा होगा। और पूरा लॉजिकल गेम होता है बॉटम टू टॉप अप्रोच का, अब देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो मैंने जनरली ये तीन चार्ट देखता हूँ, जो तीन स्टॉक्स रहती है, तीन जो हमारे पास इक्विटी रहती है वो होती है HDFC, कोटक और ICICI, मैं इन तीन का यूज़ करता हूँ, और एक रहता है इंडेक्स का चार्ट। तो ये चार चार्ट का स्क्रीन सेटअप बनाया हुआ है मेरा, लेआउट आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो या आप अपने आप से भी बना सकते हो उसे, अगर आपके पास कोई अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको चार स्क्रीन सेटअप अलाउ करता है, जैसे कि जीरोधा हो गया, फायर्स हो गया, या आपके पास ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम है तो आप यूज़ कर सकते हो। इन केस अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम नहीं है तो आप मेरा ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे यूज़ कर लो, लेआउट को डायरेक्ट भी यूज़ हो जाएगा। तो मेन मेन आपको आइडिया लग गया होगा, हम कॉन्स्टिट्यूएंट की जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को ट्रैक करके इंडेक्स में ट्रेड करेंगे। कैसे करेंगे अभी आपको समझाऊंगा, पूरे ट्रिगर्स बताऊंगा, अभी आप देखते रहें, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी देखो इसमें क्या होता है ना, इस तरह से ये बनेगा, मैं जो इसमें टूल लूंगा सब बताएंगे, पहले आप देख लो, कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखेगा जिसमें निफ्टी का चार्ट, कोटक का चार्ट, HDFC और ICICI, तीन बड़ी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं ये तीनों, इसलिए मैंने इनको सिलेक्ट किया है ना। निफ्टी बैंक हमारे पास रहेगा, टाइम फ्रेम 15 मिनट का रहेगा, आगे बताता हूँ इनके बारे में। पहले आप ये समझ लो कि ऐसा ही क्यों, बॉटम टू टॉप अप्रोच क्यों, क्योंकि मैंने टाइम टेस्टेडली मैंने ये देखा है मार्केट को, मैंने मूवमेंट जब मैंने मार्केट को ट्रैक करना स्टार्ट किया था, मैंने देखा था कि भैया मार्केट के अंदर अगर इन तीन स्टॉक में से कोई भी दो भग रहे हैं ना, कोई भी दो ऊपर भग रहे हैं या नीचे भग रहे हैं, तो स्टॉक में की डायरेक्शन के अंदर ही शार्प मूव आएगा, इंडेक्स में भी सेम डायरेक्शन में। इस एग्जांपल में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडेक्स में मूवमेंट कैसा है, इंडेक्स को अभी मत देखो, एक बार इनको देखो, स्टॉक में देखो, ये मूवमेंट देखो, ये कैंडल्स का मूवमेंट देखो, और स्टॉक में मूवमेंट देखो, ये नीचे भग गई इंडेक्स, इंडेक्स कितना नीचे गई आराम से, ये सब हम ट्रैक कर सकते हैं, ये हमारे बस की बात है। हम कैसे करेंगे आपको समझाऊंगा, पहले आप ये समझो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट और लॉजिक सिंपल है। अगर अंडरलाइन सिक्योरिटीज़ में मूवमेंट है तो स्टॉक में मूवमेंट है तो इंडेक्स में या सेक्टर में भी मूवमेंट आपको दिखेगी, ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है, ठीक है जी। अब इसको बनाएं कैसे, अंडरस्टैंड कैसे करें, समझे कैसे, तो उसका सिंपल आप क्या करोगे, ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। देखो इंट्राडे में हम टाइम फ्रेम, जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो 15 मिनट का होता है, ये आप सभी को पता है या नहीं पता मैं बता देता हूँ, बेस्ट मेरे को जो बेस्ट लगता है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ओनली लॉजिकल टाइम फ्रेम है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत अच्छी कैंडल्स इस पर बन जाती है और अच्छी एंट्रीज भी हमें दिलाता है। अगर आप मान लो इसी अप्रोच को फॉलो करते हो और आप मार्केट आवर के बाद में ट्राई कर रहे हो तो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो, बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि 1 आवर 30 मिनट यूज़ कर सकते हो, और 15 मिनट्स पर भी आप देख सकते हो कि कैसी मूवमेंट है, ताकि आपको अगले दिन का भी आइडिया लग जाए इस तरह से। पर इंट्राडे में लाइव आप कर रहे हो तो 15 मिनट का चार्ट रखेंगे। टूल जो यूज़ करेंगे वो होगा बोलिंजर बैंड्स, डिफॉल्ट सेटिंग्स रहेगी बोलिंजर बैंड की, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 का ही रखेंगे, ठीक है जी। आगे रखेंगे हम प्राइस एक्शन का, प्राइस एक्शन से एंट्री एग्जिट, ये मुझे ट्रिगर बताएगा कि अब तैयार हो जाओ, अब कुछ मूवमेंट आने वाली है, ठीक है, समझ गए। अब वो ट्रिगर कौन कौन है, ये ट्रिगर है, पहले आप समझें इनको कि अगर तीन स्टॉक्स, ये तीन स्टॉक में से अगर कोई भी डाउन ट्रेंड में नहीं है और एक स्टॉक अप ट्रेंड में चला गया, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि वो बाय साइड के लिए मुझे बोल रहा है कि अब ट्रिगर आ रहा है बाय साइड का।
और सेल साइड में क्या होगा, तीनों स्टॉक में से कोई भी अगर डाउन अप ट्रेंड में नहीं है और अप एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि अब मूवमेंट आ रहा है सेल साइड का। समझ में आता है? अब जैसे एग्जांपल है, कोटक मान लो अपसाइड चला गया और आईसीआईसी अपसाइड चला गया और एचडीएफसी साइडवेज, तो आप अपने आप से बोलो क्या होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अपसाइड के लिए हम बाय साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, किसमें? बैंक निफ्टी की इंडेक्स में। अगर मान लो एचडीएफसी अपसाइड है, आईसीआईसी डाउन ट्रेंड में है, कोटक साइडवेज है, तो ऐसे केस में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि एक अपसाइड चला गया, एक डाउनवर्ड, एक साइडवेज, तो मार्केट में लैक ऑफ डायरेक्शन है। वो अभी क्या कर रहा है, साइडवेज होगा, इस तरह से मूव कर रहा है। हम इस पर ट्रेड कभी नहीं करते क्योंकि ये ट्रैप करता है, ये सेलर्स जो ऑप्शन सेलर्स है उनके लिए यूजफुल होता है। चलो आगे बात करते हैं, आपको मुझे लगता है बेसिक समझ में आ गया होगा टाइम फ्रेम का और जो टूल है उसका, और ट्रिगर आपके समझ में आ गए होंगे। तो अभी हम आगे बात करते हैं, अगले ट्रिगर देखो। अगला ट्रिगर है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का था, अगर मुझे सेल साइड के लिए जाना है, मुझे सेल साइड के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी देखनी है, तो 15 मिनट की दो कैंडल का, 15 मिनट की दो कैंडल का हाई बोलिंजर बैंड के लोअर बोलिंजर बैंड, जो लोअर साइड ऑफ बोलिंजर बैंड होता है, जैसे मान लो ये बोलिंजर बैंड है, इसका लो है, उसको अगर 15 मिनट की दो कैंडल का हाई टच नहीं करता है, तो मैं सोच जाऊंगा, ये मैं प्लान करने लग जाऊंगा कि अब इंडेक्स नीचे गिर सकता है, इंडेक्स में डाउन साइड की मूवमेंट आ सकती है। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एकदम, आप वीडियो को वापस देख लेना और अलाइन करते हुए चलो, क्योंकि ये बेसिक है इसका, ठीक है? अगर ट्रिगर अपसाइड के जाना है, मतलब बाई साइड के लिए मुझे देखना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, 15 मिनट की दो कैंडल का जो हाई है, सॉरी, दो 15 मिनट की दो कैंडल का जो लो है, वो अपर बोलिंजर बैंड को टच ना करे, जो लो है वो अपर बोलिंजर बैंड को टच नहीं करेगा, इसका मतलब मैं सोच जाऊंगा कि अपसाइड के लिए मूवमेंट आने वाली है। ये लेआउट की लिंक है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बट पहले चीजें समझ लो, ठीक है? अभी देखते हैं आगे, देखो कुछ इस तरह से चार्ट दिखेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा और आप प्लीज एक बार, वीडियो अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज एक बार वापस देख लेना, कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना, बट कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लेना आपने, ठीक है जी? अब देखो कैसे क्या हुआ। अब देखो 15 मिनट का चार्ट लगाया मैंने, ये सेटअप आपको मिल जाएगा सेम सेम, आपको एचडीएफसी, निफ्टी, कोटक और आईसीआईसीआई। आपको करना क्या है, कभी भी इस पे नेकेड बाइंग नहीं करनी है, बस इसमें दिखा और हमने बाय कर लिया, ये कोई सिस्टम नहीं है ट्रेडिंग का, ये बस एक ट्रिगर है, ये मुझे पता था कि यार अब बाय करूंगा, पर मैं अभी देखो, मैं जनरली मेरी बात बता देता हूँ, मैं इस पे कभी भी नेकेड बाइंग नहीं करता, मैं इसको देखता हूँ, यार ट्रिगर आ गया मुझे, अब मुझे इसने बता दिया। जैसे अभी देखो, कोटक में दो कैंडल ने क्लोज दे दिया बोलिंजर बैंड के बाहर, और इनके दो कैंडल का जो लो था वो बोलिंजर बैंड को टच नहीं कर रहा, हाई जो है टच नहीं कर रहा, तो मुझे पता चल गया यार अब कहीं ना कहीं मूवमेंट आ सकती है। फिर मैंने आईसीआईसी देखा, तो इसकी भी दो टच नहीं कर रहा, आउटसाइड है, इधर देखा इधर भी आउटसाइड, तीनों में से तीनों मिल गए मुझे, तीन में से तीन नंबर मिल गए। अब क्या होगा, अब मूवमेंट शार्प आई है, देख लो, मार्केट यहाँ पे शॉर्ट किसी ने किया होता तो ये। अब लोग कहते हैं इंडेक्स में तो यार ट्रेडिंग नहीं आती, इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं सीख पाते, हमें करना ही नहीं आता, हमें प्राइस एक्शन सीखे हुए बहुत टाइम हो गया पर हम इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर पा रहे, हम ट्रैप हो जाते हैं। क्यों हो जाते हो ट्रैप? आपको लॉजिक नहीं पता, आपको प्रोसेस नहीं पता। ये है एक राइट अप्रोच मार्केट को देखने की, इंडेक्स को देखने की, आपको प्रिसाइसली बताऊं तो, ठीक है? आपको ये समझ में आया कि किस तरह से हमने इसमें ट्रेड बनाने की सोची, ठीक है? आपको दिख गया होगा कि किस तरह से। अभी मैं बताता हूँ, मैं एंट्री प्राइस एक्शन पे करता हूँ 5 मिनट पे, पर इससे 15 मिनट पे मुझे ट्रिगर आ जाता है, उसके बाद में देखता हूँ। कभी कभी मैं एक कैंडल पे भी कर जाता हूँ, पर अभी मुझे जैसे इस कंडीशन में, कितनी बढ़िया कंडीशन थी देखो, सभी कैंडल नीचे गिर गई और मैंने आराम से एंट्री बनाई। और ये डाउन ट्रेंड कब तक रहेगा? अब लोग कहते हैं सर ट्रेल कैसे करें इतने लो तक, ये डाउन ट्रेंड जब तक रहता है, जब तक बोलिंजर बैंड की ये लाइन जो होती है ना, ये बीच वाली, ये 20 SMA की लाइन होती है, जब तक क्लोज कोई कैंडल इसके ऊपर नहीं कर देती, वो हमारे पास अभी तक डाउन ट्रेंड में ही था। अगले दिन देखो, 26 तारीख को मैंने एंट्री बनाई थी और 26 के बाद में पूरे दिन डाउन ट्रेंड में रहा, 29 तारीख को कहीं जाके उसने इसके ऊपर क्लोज दिया, तो अब यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट होता है, बट मेरा डे तो एंड हो गया, इंट्राडे पोजीशन थी, यहीं कट जाएगी 3 3 बजे के आसपास, तो मैंने पूरा मार्केट राइड किया होगा। और ये कितना आरआर बनेगा आप देख सकते हो, कितना प्रॉफिटेबल ही आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? मुझे लगता है ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट सिंपल है, कैंडल के जो लो है टच नहीं। अब देखो परफेक्ट सेटअप कभी नहीं मिलता मार्केट में, अब कभी कभी टच भी करेगी ऐसे थोड़ा बहुत, तो कंसिडर हम करेंगे उसे, ठीक है? चलो देखते हैं आगे, ये अगला एग्जाम्पल देखो, ये 20 तारीख का एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या हुआ, इंडेक्स को भी मत देखो आप, सबसे पहले इंडेक्स मत देखो, अभी हमें इनको देखो, स्टॉक को देखो, दो कैंडल ने क्लोज दिया आउटसाइड,
अरे और इधर देखा तो इसका भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, दो स्टॉक का डाउन ट्रेंड मिल गया, तीन स्टॉक का डाउन ट्रेंड मिल गया। देखो एचडीएफसी ने भी आउटसाइड क्लोज दे दिया, तो जैसे ही तीन स्टॉक का आउट ट्रेंड मिल गया मुझे नंबर मिले तीन में से तीन, और मैं देखूंगा शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज। तो यहां पर मैंने कहीं शॉर्ट किया होता, मार्केट ने यहां कहीं एंट्री बनाई है, तो इतना मैंने इसमें भी गेन किया होता उस दिन के लिए। ये भी 21 तारीख को जाके कहीं ऐसा हो रहा है। पूरे दिन आप इतना शॉर्ट कर सकते हो, देखो इतनी कैपेसिटी के साथ देख लो सारा डाउन ट्रेंड है। ये एक मार्केट में ट्रिगर मिलते हैं ऐसे, आपको अप्रोच सही रखनी होगी बस, ठीक है। आपको दूसरा एग्जाम्पल भी मुझे लगता है समझ में आएगा, इस तरह आप देख सकते हो बैक टेस्ट करके। मैं तो कुछ ही थोड़े बहुत एग्जाम्पल है, पर आप टाइम टेस्टेड है मेरे मेरे से, तो आप भी देख सकते हो अपने ट्रेडिंग व्यू अकाउंट में कितना अच्छा इसने परफॉर्म किया। अभी इस कैंडल में देखो क्या हुआ, अभी देखो कभी भी परफेक्ट, मैंने कहा था कभी परफेक्ट सेटअप नहीं मिलता हमें। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्टॉक यहाँ पे देखो इसने बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोज दे दी दो कैंडल ने, मुझे यहाँ कंफर्मेशन मिल गई कि यार कहीं ना कहीं मार्केट का डाउन साइड का ट्रेंड बन सकता है। फिर मैंने और स्टॉक का देखा, एचडीएफसी में देखा, पर क्लोज तो बाहर नहीं आया, पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था, रेड कैंडल्स बनने लग गई थी। और यहाँ पे भी मैंने क्या देखा कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 22 तारीख को इसमें भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, आईसीआईसीआई में भी है ना, तो ये भी डाउन ट्रेंड है। तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी सोचूंगा, जैसे ही दो तीन कैंडल का क्लोज हुआ, ये 1 2 3 यहाँ कहीं से मैं शॉर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढना फाइंड करूंगा। तो ये शॉर्ट होता, इतना शॉर्ट किया होता हमने, यहाँ तक अगर आप क्लोज करते अगले दिन भी तो ये प्रॉफिट। बड़े दिन में जो बड़ी मूव आएगी उस दिन आप आराम से कैच कर सकते हो कैसे बड़ी मूव आने वाली है। बाकी दिन जैसे साइडवेज है तो आप सेलिंग करो, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। और ऐसे बड़े दिन मिलते हैं तो आप बाइंग के लिए भी जा सकते हो, और यही एक राइट अप्रोच है मार्केट को देखने की। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वट आई वॉन्ट टू टेल यू, वट आई वॉन्ट टू टीच यू, राइट। तो ये एकदम कंसेप्ट, एकदम कंसिडरेबली एकदम आसान है। बॉटम टू टॉप अप्रोच हम इंडेक्स में करते हैं, ये लॉजिक था मेरा इसके पीछे, और इसके बेस पे मैंने ये सेटअप तैयार किया हुआ है, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आया होगा आप सभी को, अगर नहीं आया तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, या फिर आप प्लीज़ वीडियो को एक बार वापस देख लेना,